डेट बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। देश के 52 शक्ति पीठों में से एक मुंगेर चंडिका स्थान में सीएम नीतीश कुमार ने पूजा अर्चना की। पूजा के बाद सीएम ने बताया कि मैंने राज्य में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। चंडिका स्थान के मुख्य पुजारी नंदन बाबा ने विधिवत पूजा कराई। वहीं मौके पर जल संसाधन मंत्री संजय झा, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, मुंगेर सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, बिहार पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के महागठबंधन के कोऑर्डिनेटर होने के मसले पर महागठबंधन में एक राय नहीं है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद यादव को कोऑर्डिनेटर की हैसियत बताते हुए सभी घटक दलों को इसे कबूलने की बात कही, मगर ये बात सिर्फ वीआईपी ने मानी। बाकी तीन दलों ने एतराज किया है। जगदानंद ने अपने सहयोगी दलों से पूछा कौन है जो बिहार में महागठबंधन की लाइन तय करने वाले लालू प्रसाद यादव की जगह लेना चाहता है। उस नेता का नाम बताए, हम और कांग्रेस महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रही है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी को किसी दूसरी को महिला विरोधी बताने से पहले अपना घर देखने की नसीहत दी है। गुरुवार को ट्वीट करके सुशील कुमार मोदी ने राजबल्लभ यादव और अरुण यादव जैसे विधायकों को लेकर आरजेडी को घेरा। उन्होंने कहा कि आरजेडी की सियासी सरपरस्ती मिलने के बाद ऐसे लोग विधायक के बनने पर जनता की सेवा करने के बजाय गरीबों की नाबालिग बेटियों से बलात्कार जैसा अपराध करते हैं। वो दूसरों को महिला विरोधी बता रहे हैं। शेल्टर होम मामले में सीबीआई की प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार को मिलने के बाद इसमें कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सामान्य प्रशासन विभाग को कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके तहत लगभग 25 आईएएस अधिकारियों को शो कॉज करने की तैयारी सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से शुरू हो गई है। समीक्षा के बाद अंतिम स्तर पर मुहर लगते ही सभी संबंधित आईएएस को शो कॉज लेटर जारी कर दिया जाएगा। बिहार के दरभंगा में राज्य के दूसरे एम्स की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। मामले में राज्य सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सूचित किया है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज की जिस इमारत में एम्स बनाए जाने का प्रस्ताव है, उसकी इमारत विरासत भवन की श्रेणी में नहीं आती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार बिहार सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज की इमारत और परिसर विरासत स्थल की श्रेणी में आने सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के बारे में स्थिति को स्पष्ट करते हुए केंद्रीय मंत्रालय के सामने एक प्रस्ताव भेजा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बिहार सरकार के स्पष्टीकरण के साथ मिले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।